हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि भाई मतलब अब दीपावली का समय आ चुका है ऑलमोस्ट। अभी नवरात्रि चल रही है, अब दीपावली आ जाएगा ऑलमोस्ट, और इस टाइम ही सबसे ज़्यादा बाइकों की सेल होती है। इसी टाइम बाइकों को सबसे ज़्यादा जो है खरीदा जाता है। सो आज की वीडियो होने वाली दोस्तों यामाहा की सभी मॉडल्स के प्राइस डिटेल्स में। और दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा आपको यामाहा के दिवाली ऑफर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरा आज का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यामाहा की बाइक्स में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, यामाहा की बाइक्स अभी आपको क्या ऑन रोड प्राइस आ रही है, और दिवाली में कंपनी क्या डिस्काउंट दे सकती है। तो वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात कर लेते हैं दोस्तों यामाहा के सभी ऑल बाइक्स के प्राइस के बारे में। ठीक, चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास लिस्ट है और आपको सभी का जो है ऑन रोड प्राइस मैं बता देता हूँ। चलो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करेंगे यामाहा के फैसिनो से। देखिए फैसिनो में ना आपको यहाँ पे 4 से 5 मॉडल मिलता है। सबसे पहले फैसिनो ड्रम मॉडल मिलेगा जो कि 93,093,000 रुपये ऑन रोड प्राइस आ रही है। जो डिलक्स ड्रम मॉडल है दोस्तों वो आपको लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस मिल रही है। 1,00,000 रुपीज आपको ये ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल डिस्क वाला मॉडल लेते हैं, नॉर्मल डिस्क वाला मॉडल, तो आपको 1,12,000 रुपए ऑन रोड प्राइस पड़ती है। लेकिन उसी में दोस्तों अगर आप डिलक्स डिस्क वाला मॉडल लेते हैं, डिलक्स डिस्क मॉडल, तो आपको दोस्तों लगभग वही 1,13,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ती है। और स्पेशल डिस्क वाला अगर आप मॉडल लेते हैं दोस्तों, तो आपको लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास की जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। भाई और हर एक स्टेट एंड सिटी में थोड़ा सा प्राइस वेरी करता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं हम यहाँ पे रे सीरीज में। ठीक है, रे ड्रम, हाँ ठीक है, रे में आ जाते हैं दोस्तों। रे का अगर आप ड्रम मॉडल लेते हैं तो आपको 99,099,000 रुपए के आसपास की जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, बेस मॉडल है। वही दोस्तों अगर रे में डिस्क वाला मॉडल लेंगे तो आपको ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 1,05,000 रुपए से 1,05,000 रुपए। अगर आप डिलक्स डिस्क मॉडल लेते हैं तो वो दोस्तों आपको 1,07,000 रुपीज़, 1,07,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती है। और वही अगर आप रे का टॉप मॉडल, जिसे कहते हैं स्ट्रीट रैली एडिशन, जो कि टॉप मॉडल है, ये आपको ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 1,13,000, 1,13,000 रुपए के आसपास की दोस्तों आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। ठीक, बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं एफजेड एस 250 के बारे में। एफजेड एस 250 में दोस्तों आपको बता दूं, ये आपको ऑन रोड प्राइस आ रही है 1,78,000 रुपए, 1,78,000 रुपीज आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। ठीक, 1,78,000 रुपए। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हम MT15 के बारे में। देखिए MT15 में जनरली दो मॉडल आता है, एक बेस मॉडल आता है, एक टॉप मॉडल आता है। बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल में ये फर्क है कि बेस मॉडल में आपको LED इंडिकेटर एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता, बस ये दो चीज़ें नहीं मिलती जो कि टॉप मॉडल में मिलती है, ये आपको डिफरेंस मिलेगा। बेस मॉडल अभी ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 2,04,000 रुपीज, 2,04,000 रुपए के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी विदाउट एनी एसेसरीज। और अगर आप जाते हैं दोस्तों टॉप मॉडल के साथ में, तो आपको ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 2,08,000 रुपीज, 2,08,000 रुपए के आसपास की जो है ये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं दोस्तों R15 सीरीज की तरफ। अब R15 में दोस्तों सबसे जो बेस मॉडल है वो रेड कलर ऑप्शन है, ठीक है, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस आ रहा है लगभग 2,17,000 रुपए, 2,17,000 रुपीज, ये आपको ऑन रोड प्राइस मिलेगा। और अगर आप डार्क नाइट के साथ में जाते तो आपको ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 2,19,000, 2,19,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप रेसिंग ब्लू लेते हैं तो रेसिंग ब्लू आपको पता है V4 में टॉप मॉडल है, M सीरीज अलग है, बट V4 में वो टॉप मॉडल है, वो ऑन रोड प्राइस देते हैं लगभग 2,22,000 रुपए। और अगर दोस्तों आप M सीरीज लेते हैं, भैया M सीरीज आपको पता है जो कि टॉप मॉडल है, जिसमें TFT पैनल आता है, उसका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों लगभग 2,26,000, 2,26,000 रुपए के आसपास की आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, 2,26,000 रुपए। और अगर आप मोटो GP एडिशन लेते हैं तो आपको लगभग 2,27,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम FZ सीरीज में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं FZ-FI V3, ध्यान रखिए रेड कलर ऑप्शन, ये ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 1,38,000, 1,38,000 रुपए। और इसी में अगर आप ग्रे मॉडल लेंगे, ग्रे कलर, तो आपको वो 1,40,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी।
बात कर लेते हैं वर्जन 4 के बारे में। दोस्तों एबजेट एस वर्जन 4 का अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो आपको 153,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस मिल रही है। अगर आप डिलक्स मॉडल के साथ में जाते तो आपको आ रही लगभग 1,54,000 154,000 रुपए के आसपास की आपको डिलक्स मॉडल जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक बाइक बच गई एबजेट एफ आई, एक एबजेट भी आती है, आपको पता है एक एबजेट एस भी आती है और सिर्फ नॉर्मल एबजेट भी आती है जिसमें प्योर ब्लैक कलर आता है, वो आपको 136,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लूँ एक्स सीरीज के बारे में, एबजेट एक्स सीरीज के बारे में। एबजेट एक्स का अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो 161,000 रुपये आपको ये ऑन रोड प्राइस आती है। इसमें अगर आप डार्क मैट लेते हैं तो आपको ये 162,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती है। और इसमें अगर आप क्रोम एडिशन लेंगे जो कि टॉप मॉडल है, वो आपको 165,000 रुपये के आसपास की जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप का कुछ आपको प्राइस दोस्तों आपको जो है यामा बाइकों का देखने को मिल रहा है अभी हाल फिलहाल में। बाकी दोस्तों अगर आप कोई बाइक प्लान कर रहे हैं ले रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।